नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आपका स्वागत है। सरकारी विदेशी शराब दुकानों में LRDC और पुलिस निरीक्षक सहित थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने की छापेमारी। शराब दुकानों में पाई गई कई गड़बड़ियां। ग्राहकों ने कहा, शराब दुकानदार बेचते हैं नकली और मिलावटी शराब, वसूलते हैं प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे। LRDC ने कहा, वरीय पदाधिकारी को करेंगे सूचित। छापामारी का नेतृत्व चक्रधरपुर के LRDC कुशलमी निकिनेथ मुंडू कर रहे थे। उनके साथ चक्रधरपुर के थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार और जिला पुलिस और SDO कार्यालय के कर्मचारी और पुलिस बल भी मौजूद थी। खबर विस्तार से। सरकारी विदेशी लाइसेंसी शराब दुकानों में मिलावटी नकली शराब बेचे जाने की शिकायत पर चक्रधरपुर LRDC के द्वारा गुरुवार को चक्रधरपुर के सरकारी शराब दुकानों में औचक छापेमारी की गई। इस छापेमारी के बाद शराब दुकानों में हड़कंप मच गया। छापेमारी में शराब दुकानों में कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ, जिसको लेकर अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार कर जिले के वरीय अधिकारी को प्रेषित करेंगे। संभव है कि सरकारी शराब बिक्री में की जा रही है अनियमितता को लेकर कार्रवाई भी की जा सकती है। शराब दुकानों में छापेमारी का नेतृत्व चक्रधरपुर के LRDC कुशलमी किनेथ मुंडू कर रहे थे। उनके साथ चक्रधरपुर के थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार और जिला पुलिस और SDO कार्यालय के कर्मचारी और पुलिस बल भी मौजूद थी। चक्रधरपुर के भारत भवन के पास स्थित सरकारी शराब दुकान में छापेमारी के दौरान हैरान करने वाला वाकया सामने आया। यहां इतनी भी शराब बेची जा रही थी, शराब बोतलों में लगा QR कोड स्कैन करने पर गलत पाया जा रहा था, जिससे इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि इस दुकान में नकली और मिलावटी शराब की बिक्री हो रही है। हालांकि दुकान के सेल्समैन ने इसे इनकार किया है। इधर छापेमारी की खबर पाकर शराब खरीदने आए लोगों ने जब देखा कि अधिकारी छापामारी कर रहे हैं, तो लगे हाथ उन्होंने भी शराब दुकान द्वारा किए जा रहे मनमानी और अनियमितता की शिकायतों की झड़ी लगा दी। ग्राहकों का कहना है कि शराब दुकानों में धड़ल्ले से मिलावटी और नकली शराब की बिक्री हो रही है। यही नहीं, प्रत्येक शराब की बोतलों की खरीद पर उनसे प्रिंट रेट से 10 से 50 रुपए अधिक वसूला जाता है। साथ ही जब बिल मांगा जाता है तो उन्हें बिल भी नहीं दिया जाता, उल्टे ग्राहकों के साथ बदतमीजी की जाती है। ग्राहकों की शिकायतों को भी LRDC के द्वारा दर्ज कर लिया गया। LRDC ने कहा कि लगातार शराब दुकानों में अनियमितता की सूचना मिल रही थी, इसे लेकर उनके द्वारा छापेमारी की गई है। ये पता चला कि इसकी शिकायतें हम लोग को भी मिलती थी, क्योंकि यह मामला उधर से जुड़ा हुआ है, तो जब तक वो पदाधिकारी साथ में नहीं रहते हैं तो हम लोग रेड करने से बचते हैं। जब तक कोई प्रत्यक्ष और स्पष्ट ये मिलता है कि यहाँ बड़ा ये है, तब हम लोग करते हैं जी। तो प्रशासनिक पदाधिकारी का होना जी होता है, इसीलिए बड़े पदाधिकारी के साथ इसमें, और जिन लोगों के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो निसंकोच होकर जानकारी दें। LRDC साहब की टीम नेतृत्व में भी छापेमारी की जा रही है जगह जगह पर, और किसी को खुल के अगर कुछ बताना हो तो बता सकते। चलिए, थैंक यू सर। शिकायत मिलती रही है कि जो प्रिंट रेट है उससे ज़्यादा दामों में शराब यहाँ दिया जाता है, साथ ही साथ मिलावटी शराब का भी शिकायत मिलता था। इसी को लेकर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। तो सर, कुछ रिजल्ट मिला? रिजल्ट देखिए, हम लोग अभी बहुत सारा चीज़ हम लोग और जांच करेंगे जी। प्रथम दृष्टया तो जो प्रिंट वो स्कैन कर रहा है, तो स्कैन में जो उसी मशीन में गड़बड़ियाँ नजर आ रही है जी, ठीक करने के लिए हम लोग बोले हैं। सर, एक चीज आप सामने भी देख रहे थे, जो मूल्य तालिका है, जो सूची है, वो आपके सामने ही मैंने अंदर में रखा था, पहले से नहीं निकाला हुआ था, तो हम ही उसको आप अभी सर के निर्देश पर निकाला है। इस तरह के छापेमारी आगे भी और भी रेगुलर चलते रहेगी। चलिए सर, मामला बिल भी नहीं दिया जाता है। हाँ, तो उसी को बोले सर, लोग पूरा निर्देश दिए हैं कि सारा सिस्टम अपडेट करने के लिए, अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। नहीं होगा कार्रवाई तो फिर हम लोग उस पर वरीय पदाधिकारी को बताएंगे और निश्चित तौर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। चलिए, थैंक यू सर। आप सुन रहे थे LRDC सर का, जो देख रहे हैं LRDC और पुलिस निरीक्षक सर यहाँ मौजूद हैं सभी लोग। सर, कुछ जो आज रेड पड़ा था सर, LRDC साहब के द्वारा जो है हम लोग को सूचना मिली थी कि एक रेड करना है।